हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मीज किचन। तो अम्मीज किचन में लेकर मैं आ गई हूँ गर्मी की मज़ेदार सी सब्ज़ी लौकी। तो इस टाइम मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ लौकी। वैसे लौकी मैं कई तरीके की बनाती हूँ, कई रेसिपी मैं डाल भी चुकी हूँ अपने इस चैनल पर। ये वाली भी पता नहीं डाली है कि नहीं डाली है, पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की फरमाइश। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बातें भी करती हूँ, आप सबके साथ शेयर भी कर लूँ। तो यहाँ पर ले ली है एक लौकी। इसको अब क्या करते हैं, इसको आप छील लें, कटर से भी कर सकते हैं, नाइफ से भी कर सकते हैं, जिसको जिससे आपको इजी लगे। तो लौकी, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जितनी चीज़ें उसमें पड़नी है वो कट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। अच्छा, सब्जियों में ये सब में मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आपके घर में जो तेल यूज़ होता है वो डालें। अच्छा, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल में सबसे पहले डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा जो है कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हम इसमें डाल देंगे प्याज भी हमने कट करके रखी है। और अब साथ ही में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्च, तीनों चीज़ हमें एक साथ डालने हैं, और इसे हमें थोड़ी देर तक इसमें फ्राई करना है। जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे लौकी, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया कट करने के बाद। अच्छा, लौकी भी मैं क्या तरीके की बनाती हूँ, एक टमाटर कट करके डालती हूँ वाली बनाती हूँ, टमाटर वाली बनाती हूँ एक, मैं उसको कट करके मैंने रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पर, आप सब वहाँ से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होती है वो। मैंने बेसन में करके उसका बनाया था पकौड़े टाइप, उसका सालन में बनाया था, बहुत मज़ेदार होती है। मेरे हस्बैंड को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही वाली लौकी पसंद है, और वाकई लौकी बहुत मज़ेदार होती है। ज़्यादा कोई इसमें मसाले भी नहीं पड़ने हैं, हर आदमी खुश होकर इससे पूरा खाना खा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्ती ये रेसिपी है और सिंपल भी है। तो बस ये कलर हमको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी। तो मिक्स करेंगे, अब इसमें पड़ेगा सॉल्ट की टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालें। बस आप सोच रहे हैं बस और कुछ भी नहीं पड़ना, जी हाँ, और कुछ भी नहीं पड़ना है। अब फ्लेम को मैं करूँगी एकदम स्लो, और इसको कर दूँगी कवर।
बिल्कुल मज़ेदार सी हरी हरी ज़बरदस्त सी लौकी हमारी बनके तैयार हो जाएगी कुछ मिनटों में। तो चलिए जितनी देर में हमारी सब्ज़ी बन रही है ऐसे खड़े होकर मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे सैलेड भी तैयार कर लूँ। कुकम्बर के बिना, जब तक कुकम्बर का सीज़न रहता है इसके बिना तो मुझे सैलेड जो है बिल्कुल अधूरी लगती है। टमाटो यहाँ पे मैं एक ही कट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि सैयदा जो है वो टमाटो नहीं लेगी। ये सब मैंने वॉश करके रख लिया था। प्याज भी ऐसे मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, जो मैंने अभी सब्ज़ी में ग्रीन चिली डाली थी थोड़ी सी बची है, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, बच्चों की वजह से कम रहते हैं, इसके बड़े बड़े पीसेस मैं इसमें ऐसे डाल दूँगी ताकि जब मैं सैलेड खाऊँ तो मैं अपनी प्लेट में ले लूँ। थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें धनिया पत्ती, डिनर के टाइम में मैं इसमें डालूँगी लेमन और सॉल्ट। तो अब इसको रख देती हूँ साइड में कवर करके। और सब्ज़ी जो है काफ़ी अच्छे से गल चुकी है, जो उसने पानी छोड़ा था उसी में लौकी गल जाती है। लौकी बहुत जल्दी गलती है। अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से कट किया हुआ बारीक हरा धनिया। बाकी आप देख ही रहे होंगे कितनी सिंपल सी रेसिपी है, इतनी बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी है बस 8 से 10 मिनट में। तो ऐसे ही अच्छा डिनर का भी टाइम हो गया तो मैं बच्चों की प्लेट्स तैयार कर लेती हूँ, उसको करती हूँ कवर और गैस को करती हूँ बंद। तो टाइम हो चुका है 8:30 और सब्ज़ी बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको प्लेटिंग करके इसी में दिखा देती हूँ सब्ज़ी। तो एक प्लेट हो गई है सैयदा की और एक प्लेट हो गई है मुस्तफ़ा की, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, रात में बच्चों को बहुत कम राइस देती हूँ, अवॉइड करती हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं बनाई हूँ उसके साथ में बच्चों को रोटी ही दूँ। और यहाँ पे मिर्च ज़रा देख के मैं बच्चों के लिए रख दूँगी इसमें सैलेड। ये है मुस्तफ़ा की प्लेट क्योंकि मुस्तफ़ा में मैंने डाल दिया है टमाटर, मैंने मुस्तफ़ा में डाल दिया है और सैयदा में टमाटर नहीं जाएगा क्योंकि सैयदा नहीं खाती है। तो इसमें थोड़ी सी अनियन और कुकम्बर, ये हो गई है सैयदा की प्लेट, हो गई है सैलेड। अब आ गई है मज़ेदार सी, जैसा कि अच्छी स्मेल आ रही है, ये हो गई है मुस्तफ़ा की और एक हो गई है सैयदा की प्लेट। सबसे मैंने दोनों में निकाल दिया है। अब आती है, चलो स्पून का काम नहीं है तो इसमें मैं रख देती हूँ दोनों के लिए मिठाई एक पीस। तो बस बढ़िया सी दोनों की प्लेट तैयार हो चुकी है और गर्मा गर्म हमारी लौकी की सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, ऐसे कैसे आप बताएंगे अच्छी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और शायद आपके भी हस्बैंड बस यही लौकी फरमाइश करें आपसे मेरे हस्बैंड की तरह। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारा वीडियो देखिए और वीडियो को जरिए एंड करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।